ये है फोर्ड 76-10 1983 का मॉडल ट्रैक्टर है, और ये सुमित जी हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो और बताओ ट्रैक्टर की खासियत बताओ, क्वालिटियाँ बताओ, क्या क्या क्वालिटी इस ट्रैक्टर की। नाम सुमित है भाई मेरा। हाँ जी। गांव डिडवाड़ा। हाँ जी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये जींद डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा भाई साहब। अच्छा जी। अच्छा, चलो ट्रैक्टर की खासियत, आप कितने साल से यूज कर रहे हो ट्रैक्टर को? फोर्ड 5 साल से यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, दूसरा ट्रैक्टर है हमारा। अच्छा, 5 साल से यूज कर रहे हो। ये दूसरा ट्रैक्टर आपका? दूसरा था, वो रिश्तेदार ले गए उसने। अच्छा, वो रिश्तेदार ने पसंद आ गया भाई, वो ट्रैक्टर ले गए इसने, फिर आप ये दूसरा ले गए हो ढूंढ के? दूसरा ले गए भाई। अच्छा जी, इसकी खासियत बताओ। वैसे आपने दूसरा ट्रैक्टर यूज कर रहे हो भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर जो आप दूसरा भी लेकर आना पड़े, आपने दूसरा लेकर ट्रैक्टर ढूंढ के? हमने तो घना मजबूत ट्रैक्टर ला गया। अच्छा, कितने एचपी का जी है ये? 100 एचपी का भाई। अच्छा, 100 एचपी का ट्रैक्टर है ये। और इसकी खासियत बताओ, जैसे आप दोबारा लेकर आए हो, आपने इतने पुरानी चीज ढूंढी फिर खरीदी, इतना ट्रस्ट इस चीज पे? डीजल कम ले भाई वो। अच्छा, डीजल कम ले है, खेत ना जल्दी बाद है। अच्छा, मतलब देखो बड़ा है तो खेत ना जल्दी बाव है। बाव हाँ। और डीजल भी कम है खर्चा इसका। और मेंटेनेंस वगैरह के? मेंटेनेंस भाई कोई खर्चा नहीं इसका, और कोई खर्चा नहीं, बस सर्विस कराओ और चलाओ और दौड़ाओ चलाओ। अच्छा, और क्या क्या खासियत? जैसे थोड़ा बहुत, पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल है एकदम? बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल पूरा ट्रैक्टर। छोटी मोटी चीजें हैं जो आजकल चेंज हो जाती है, वो तो आपने? छोटी मोटी चीज हमने चेंज करवाई है इसकी। अच्छा अच्छा। लिफ्ट का पंप है यू चेंज कराया। अच्छा, लिफ्ट का पंप यहाँ लगवा दिया आपने। हाँ। वैसे तो इसका पीछे गियर में होगा भाई। अच्छा, वहाँ गियर के? अच्छा, गियर के नीचे होगा। हाँ। तो ये फार्म ट्रैक का लाया हमने, सेट का बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग है इसकी। अच्छा, न्यू का न्यू फिट हो गया, कुछ भी करना फिटिंग आई कभी कुछ भी चेंज कोई चेंजिंग नहीं। और भाई इसके गियर में कोई दिक्कत नहीं आंदी, कितना है लोड गियर और कुकरे चलाओ। अच्छा, गियर बक्से में कोई दिक्कत नहीं? क्या गियर में है ये? ये 4 लोग हैं, 4 आई के भाई। अच्छा अच्छा, 8+2 हो गए। हाँ। और पीटीओ वगैरह कैसी क्या है इसकी? हाइड्रोलिक से चलती है भाई साहब उसकी। अच्छा, हाइड्रोलिक से चल रही है। अच्छा, हाइड्रोलिक से पीटीओ चला। कितने चक्कर में है ये? 540 चक्कर में है फिलहाल तो। अच्छा अच्छा। इसके चेंज भी हो जाए चक्कर। अच्छा, चेंज कैसे क्या होते हैं इसके, मतलब चेंज क्या कौन कितने चक्कर में हो जाए चेंज होने के बाद? ये 1000 चक्कर में हो जाएगा भाई। अच्छा, चेंज जो है ना दूसरी सापट डलेगी। अच्छा अच्छा, 1000 चक्कर हो जाएंगे इसके। अच्छा, 1000 चक्कर हो जाएंगे। हाइड्रोलिक के भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं इकट्ठे, इम्प्लीमेंट पर पड़ाव हो गया। हाँ। वो चलाने के लिए। अच्छा, उसी टाइम से फंक्शन है अभी। अच्छा, शुरू से साथ का ये फंक्शन सारी चीजें। और इसकी जो उनकी ये रो ये वाली बता रहे आप, ये रो इसकी? अच्छा, ये रो 24 की 12 की रो चलाओ इस पर 24 तरह की। ये अभी दूसरे गियर में चलाई इस पर। आई गई दूसरे में चलाई? मतलब की साहेबान और कोई दिक्कत नहीं, कोई मड़ी भी दाब नहीं मानता है। और 18 के टायर में है? 18 के टायर। और क्या क्या खासियत है थोड़ा सा बताओ कुछ ट्रैक्टर के बारे में? रखी हुई इंडिया में इतनी मजबूत लिंक है किसी ट्रैक्टर की नहीं है भाई। अच्छा, काफी और ये एडजस्ट वाली है भाई। अच्छा, ये एडजस्ट हो जाए लिफ्ट, ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे एडजस्ट। ठीक ठीक ठीक। आगे पीछे का ट्रैक्टर आगे पीछे करने जरूरत नहीं है। और जो ईपीआई सिस्टम के साथ में ट्रैक्टर जो के इतने दिन पहले आया था कब, 1983 में ट्रैक्टर था। ईपीआई सिस्टम जो आजकल कंपनियां देने लग रही हैं, ये उसमें उसके साथ का है, उसी टाइम से है। और ब्रेक कौन से इसके, डिस्क ब्रेक है या फिर ब्रेक है? डिस्क ऑयल। डिस्क ब्रेक के साथ में डिस्क ऑयल, ऑयल डिस्क, ऑयल ऑयल इमरिस्ट डिस्क ब्रेक। अच्छा अच्छा, तेल के छिड़कने वाले जो आजकल ट्रैक्टर हर कंपनी देने लग रही है, मुडगार्ड वगैरह साथ के इसके एकदम। आज तक कड़ी तक गड़ा हुआ नहीं है भाई। अच्छा, कोई ट्रैक्टर कहीं कोई जंग वंग कुछ नहीं लग रहा? कुछ नहीं लग रहा। आपने रीपेंट कर रखा है? रीपेंट कर रखा है। अच्छा, रीपेंट कर रखा है पूरा ट्रैक्टर। और रोटर पंप है? अच्छा, रोटरी पंप है। सीएवी कौन सा? डेल्फी का। अच्छा, डेल्फी का है। अच्छा, डेल्फी का पंप है इसमें, बेचने के लिए लगी इस पर साथ में। और बेचना चाहो आप इसने? हाँ, बेच देंगे, हमारे पास 2 हो गए भाई। अच्छा, बेच दोगे? आपके पास 2 ट्रैक्टर हो गए फोर्ड 76-10। कितना के प्राइस है फिर भी इसका, अगर कुछ एक्सपेक्ट अगर कोई बंदा खरीदना भी चाहो तो इस ट्रैक्टर ने? 4.5 लाख का सेल कर देंगे। अच्छा, 4.5 लाख का सेल कर दोगे? हाँ, एक ही दाम। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, जिसने लेना होगा जी वो तो देखो, वो आदमी तो इसको क्वालिटी देख के बता देगा, नाम सुन के बता देगा हाँ चीज़ वाकई में है, कुछ खरीदने के लायक है, ओरिजिनल चीज़ है। और ये रो भी बेच रहे हो फिर आप साथ में? हाँ, रो भी बेच रहे हैं। कितने दिन पुरानी है? ये 1 सीजन चलाई है जी, गारंटी है फिलहाल इसकी। अच्छा, 1 सीजन चलाई है पूरी, गारंटी रह रही है। कितनी? 1 सीजन की 6 महीने गारंटी रह रही है इसकी। अच्छा, 6 महीने गारंटी। कितना के प्राइस है उसका? वो 95,000 की दे देंगे। अच्छा, 95,000 की दे दोगे? हाँ। अच्छा, ये फोर्ड 76-10 है भाई, डिडवाड़ा गाँव जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पानीपत के नियर में है ये ट्रैक्टर, ये गाँव। उसी टाइम से एयर फिल्टर का सिस्टम है इसमें भाई। अच्छा, उसी टाइम से ड्राई एयर फिल्टर है? ड्राई एयर फिल्टर है भाई इसके अंदर, जो कि ऑयल वॉयल कुछ नहीं।
जो 83 है कंपनी हेनरी फोर्ड था ना नाम उसका हेनरी फोर्ड जो कि हाँ मेड इन इंग्लैंड ट्रैक्टर है जो मेशू वो होता था ना प्रोडक्शन जैसे चैन सिस्टम है मैं